लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावती सुर। चाचा पशुपति पासवान ने कहा, मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है, पार्टी का अस्तित्व बचाने की कोशिश। एलजेपी नेता पशुपति पासवान ने जेडीयू में शामिल होने की खबरों को बताया गलत, कहा कि एलजेपी थी और रहेगी, एनडीए में बने रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सड़क पर जुलूस निकाला, जहां एसपी नेता के नगर प्रमुख नियुक्त होने पर सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए एसपी समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। कोरोना मामले में लगातार आ रही है कमी, एक दिन में 70,421 नए केस सामने आए, एक दिन में 119,501 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हो गए। देश में एक दिन में 3,921 मरीजों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,73,158 जा पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में होती हुई नजर आ रही है, जहां पिछले एक सप्ताह में कोरोना के नए संक्रमण मामलों में 30% की गिरावट। कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौत में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, बढ़ोतरी की वजह से मौतों का पुराना आंकड़ा। मौत के पुराने आंकड़ों में महाराष्ट्र और बिहार सबसे आगे, 7 दिनों में 25,000 मौतें दर्ज की गई हैं, 12,573 मौतें पुरानी हैं। रविवार को 14,92,152 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, अब तक 37,96,00,000 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हुई। दिल्ली में स्पूतनिक वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म, 20 जून से आम लोग ले सकेंगे रूसी स्पूतनिक वैक्सीन। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान के विस्थापितों का शुरू हुआ है टीकाकरण, हाई कोर्ट ने 5 शरणार्थियों को वैक्सीन लगाने का दिया था आदेश। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, नवादा मेट्रो स्टेशन के बाहर उमड़ा जनसैलाब, मेट्रो कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक पार्ट 3 की शुरुआत हुई, आज से खुले सभी दुकान, साप्ताहिक बाजार भी खुल गए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, सैलून ब्यूटी पार्लर को खोलने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट। दिल्ली में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान का 21 जून तक बंद रहेगा, स्कूलों को फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं। दिल्ली में पार्क थिएटर फिलहाल बंद रहेंगे, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर भी फिलहाल रोक है, जिम स्पा स्विमिंग पूल बैंक्वेट हॉल पर भी पाबंदियां लागू रहेंगी। हरियाणा में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अम्बाला में 50% क्षमता के साथ खुले जिम, सुबह सुबह कसरत करने पहुंचे लोग। तमिलनाडु में चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी गई है, चाय और राशन की दुकानें खुल गई हैं, सैलून में लोग हेयर कट करवाते हुए नजर आए। एक दिन के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल में 29 पैसे का इजाफा हुआ तो डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 5 दिन में पेट्रोल 6 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.41 रुपए प्रति लीटर, तो मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 के पार, 102.58 रुपए बिक रहा है। पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने पर दी है शुभकामनाएं, कहा कि मैं आपसे मिलने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के साथ भी करेंगे बैठक। पत्रकार की मौत पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जंगल राज वाली यूपी सरकार के पास पत्रकार के परिवार वालों के आंसुओं का कोई जवाब नहीं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर शराब माफिया पूरे प्रदेश में मौत का तांडव मचा रहे हैं ये बात लिखी, उन्होंने आगे लिखा कि यूपी सरकार चुप है, सच्चाई उजागर कर रहे हैं पत्रकार, लेकिन सरकार सोई हुई है। लखनऊ में मानसून ने दी है दस्तक, बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के कंसा शिवपुर में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर, नदी में बाढ़ आने से अस्थायी पुल टूट गया, कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई है जमीन पर, पूर्व मंत्री ने उठाए कई सवाल, कहा कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। एसपी नेता तेज नारायण पांडे ने सीबीआई जांच की मांग की है, कहा धनराशि कहां कहां गई है इसका पता लगाया जाए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप नेता और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों को गंभीर बताया, मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की। संजय सिंह ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया, कहा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन है, समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बुजुर्गों को लेकर चलाई जा रही योजना की तारीफ की गई, पीएम मोदी ने ट्वीट करके सीएम योगी की सराहना की है।
सुशांत को याद करके भावुक हुए मनोज बाजपेयी, सोच लिया की शूटिंग का किस्सा याद कर हुए इमोशनल, बोले यकीन नहीं होता वो अब इस दुनिया में नहीं। सुशांत की याद में अंकिता लोखंडे ने वीडियो पोस्ट किया, सुशांत की पहली बरसी पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। अंकिता ने सुशांत के साथ टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता का वीडियो पोस्ट किया, लिखा आज ही के दिन सुशांत हम सबको छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक साल बाद अनसुलझे सवाल, मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों ने तमाम कदम उठाए लेकिन अभी तक नाकाम। बीते साल आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी मौत, मुंबई के एक फ्लैट में पाए गए थे मृत। सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर आज सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने करेंगे प्रदर्शन, शाम 6 बजे सीबीआई दफ्तर के बाहर निकालेंगे कैंडल मार्च। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में घोटाले का आरोप, एसपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री तेजय नारायण पांडे ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन किया। देश का 80% हिस्सा मानसून बारिश में भीगा, अगले 48 घंटे में पूरे उत्तर भारत में बरसेगा पानी। मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, टूट सकता है जून में बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली और एनसीआर में भी 2 दिनों में दस्तक देगा मानसून, अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे उत्तर भारत में सक्रिय होने की उम्मीद। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी, वर्चुअली कोर्ट में हाजिरी लगाएगा मुख्तार अंसारी। यूपी के जौनपुर के नगौली गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, जमीनी विवाद के चलते झड़प में 10 लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपराधी अजीत सिंह के अवैध पोल्ट्री फार्म पर चला बुलडोजर, करीब 3000 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करवाया था। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झड़प हुई, मौके पर मौजूद पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मानव तस्करी का खुलासा, चेकिंग के दौरान एक कार से 8 बच्चे बरामद किए गए, मासूमों को जबरन ले जाया जा रहा था जबलपुर, पूछताछ में जुटी पुलिस। हिमाचल आने वाले पर्यटक आज से कर पाएंगे रोहतांग दर्रा का दीदार, सिर्फ लोकल टैक्सी को रोहतांग जाने की अनुमति।